हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू और आप देख रहे हैं नीतू टॉक्स। आज मैं पबजी खेलने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। जी हाँ, पबजी के भारत में बैन होने से निराश हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब पबजी का अल्टरनेट गेम आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप पबजी के अल्टरनेट गेम में डाउनलोड कर सकते हैं फौजी। पबजी का अल्टरनेट आ रहा है। अक्षय कुमार ने इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रमोट भी कर दिया है और ये आपके पास अक्टूबर तक आ जाएगा। इस गेम को बैंगलोर की एम कोर गेम्स नामक कंपनी ने डेवलप किया है। दयानिधि इस कंपनी के को फाउंडर एंड सीईओ हैं और विशाल गोंडाल इस कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। और इस एक्शन गेम फौजी का फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। इस गेम को खेलने वाले लोग हमारे सोल्जर्स के त्याग और बलिदान के बारे में भी सीखेंगे, जिससे उनकी देश के प्रति मातृभक्ति भी बढ़ेगी। एक्टर अक्षय कुमार ने इस बात का भी खुलासा किया कि इसकी कमाई का 20% भारत के वीर नामक ट्रस्ट को दान दिया जाएगा। आइए देखते हैं अक्षय कुमार का ये ट्वीट। अक्षय कुमार ने फौजी का पोस्टर ट्विटर पर प्रमोट करते हुए कहा कि सपोर्टिंग पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर मूवमेंट, proud to present an action game, Fearless and United Guards. Besides entertainment, players will also learn about the sacrifices of our soldiers. 20% of the net revenues generated will be donated to Bharat Ke Veer Trust. भारत सरकार ने PUBG मोबाइल के साथ ही 118 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया था, तो अब इंडियन कंपनीज ने अपनी कमर कस ली है और पबजी खेलने वालों के लिए उसका अल्टरनेट लेकर आ रही हैं। फौजी डिक्टो पबजी की तरह ही है। इस गेम ऐप को एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर गूगल प्ले स्टोर से आप अक्टूबर में डाउनलोड कर पाएंगे। देन डाउनलोड फौजी ऐप एंड सपोर्ट इंडियन मेड एप्स। वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करिए और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने पबजी खेलने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।